स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास। और एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले अपने प्रीवियस टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, और फिर आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। और सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए जिनके बगैर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। बेसिकली इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट अ प्रोग्राम। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम वी नो दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन सेक्शन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मेन फंक्शन एंड द थर्ड वन इज अ सी स्टेटमेंट। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं तो मेन फंक्शन जो था बेसिकली ये वो एक एरिया होता है हमारे प्रोग्राम का जिसके अंदर हमने सी स्टेटमेंट को लिखना होता है। और सी स्टेटमेंट बेसिकली वो एक लॉजिक, वो एक सोच होती है प्रोग्रामर की, जो के प्रोग्रामर ने कंप्यूटर के सीपीयू को बतानी होती है। एंड द सी स्टेटमेंट्स आर रिटन विद इन द मेन फंक्शन। ये एक सोर्स प्रोग्राम जो कि नॉर्मली हमारी क्लासेस के अंदर होता है। अगर इस सोर्स प्रोग्राम को आप देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर वो तीनों मेन सेक्शन जो स्ट्रक्चर के हैं वो आपके सामने हैं। जैसा कि ये जो फर्स्ट फोर लाइंस हैं ये आमतौर पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं जो कि आज का टॉपिक होगा हमारा। और आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हम मेन फंक्शन लिखते हैं। और मेन फंक्शन को लिखने के मैंने दो तरीके आपको बताए थे। एक फर्स्ट मेथड कि आप जस्ट वॉइड लिखें स्मॉल लेटर में मेन और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप वॉइड और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके और क्लोज कर दें। दूसरा तरीका है कि आप वॉइड ना लिखें, आप जगह खाली छोड़ दें मेन और उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करें, खाली छोड़ दें और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज करें। ये दो तरीके हमारे पास हैं मेन फंक्शन को लिखने के। और जब किसी एप्लीकेशन को ऐप को यूज़र रन करता है, डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करता है, तो बिहाइंड द सीन उस मशीन का सीपीयू उस प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर आता है। और उस फंक्शन के अंदर आके हमने जो सी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको वो रीड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता जाता है। जैसा कि ये आपके सामने फर्स्ट सी स्टेटमेंट है, इसका एक खास मतलब है, हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में क्या मतलब है इसका, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है सी स्टेटमेंट्स लिखी कैसे जाती है। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें। दिस इज अ सेकेंड सी स्टेटमेंट, इसका एक खास मतलब है, फिर उसको पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। तो आज हम बात करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के ऊपर। जैसा कि इसके नाम से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो रहा है कि प्रोग्राम की पहले प्रोसेस होने वाली स्टेटमेंट्स, ये एक सोर्स प्रोग्राम आपके सामने है और इस सोर्स प्रोग्राम में फर्स्ट फोर लाइंस जो आप नज़र आ रही हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैं, जिनको आमतौर पे हैश के साथ स्टार्ट किया जाता है। ये हैश या नंबर साइन भी कहते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो होती है उसको लिखा हैश के साथ जाता है। और आमतौर पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को प्रोग्राम के शुरू में लिखा जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं स्टार्ट में लिखी हुई है फर्स्ट फोर लाइन। और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप बात करें तो मैंने कहा है कि आप नेक्स्ट लेक्चर्स को देखें, उन लेक्चर्स के अंदर जो एग्जांपल्स दी हैं उन एग्जांपल्स में भी देखेंगे तो आपको जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है वो शुरू में ही नजर आएंगी। तो आमतौर पे जो सोर्स प्रोग्राम की जो स्टार्ट वाली लाइनें होती हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती हैं। और हमारा एक्चुअल प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले, रन होने से पहले जो जो कंपाइलर होता है, ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है। हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो। उसकी वजह क्या है वो किसी हद तक तो मैं भी आज के लेक्चर में बात करूंगा, बाकी टाइम टू टाइम ये चीज़ें एक्सप्लेन होती रहेंगी, आपको आइडिया होता जाएगा।
तो बेसिकली ये जो फोर स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट की हैं, दीज आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एंड बेसिकली दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द सी कंपाइलर। और सी कंपाइलर को हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तुमने इन चार स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, और उसकी एक वजह है। वो क्या वजह है वो अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी आपके सिलेबस में दो तरह की है, एक इंक्लूड के साथ और दूसरा जो है वो डिफाइन के साथ। यानी कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है वो इंक्लूड के साथ भी लिखी जा सकती है और डिफाइन के साथ भी लिखी जा सकती है। इंक्लूड के साथ लिखने का मतलब कुछ और बन जाएगा, डिफाइन के साथ लिखने का मतलब कुछ और बन जाएगा, बट द कॉमन चीज वो ये है कि दोनों के स्टार्ट पे हैश साइन जो है वो यूज किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंक्लूड लिखने का मकसद क्या होता है और डिफाइंड लिखने का मकसद क्या होता है। इंक्लूड लिखने से कंप्यूटर को क्या समझ आती है, डिफाइंड लिखने से कंप्यूटर को क्या समझ आती है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। और अब मैं आपके बुक का, एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसी पे मैं चलता हूँ, और ये पेज नंबर 178 है मेरे पास, तो मैं जल्दी से इसको रीड आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी डायरेक्टिव, एक्सप्लेन इट्स पर्पस। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। ये एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो बेसिकली वो प्रोग्राम है जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। दिस इज द एक्चुअल प्रोग्राम। और यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि एक्चुअल प्रोग्राम को पढ़ने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइलर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव, ये इसका दूसरा नाम है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज अ प्री प्रोसेसर। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम, और वहाँ पर मैंने बात की थी हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है ताकि हमारा सोर्स प्रोग्राम कंपाइल हो सके इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और हमारे पास लिंकर होना चाहिए जो कि लिंकिंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है, और लिंकिंग के प्रोसेस को अभी हम लोगों ने डिटेल से नहीं देखा था। यहाँ पर हमें एक और टूल चाहिए, दैट इज अ प्री प्रोसेसर। ये वो प्री प्रोसेसर होता है जो कि प्री प्रोसेसिंग का काम करता है, और ये आने वाले लेक्चर्स में ये सारे टूल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इनको यूज करना भी बताऊंगा कि किस तरह से इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइन में वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम की मदद से जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है ना उसको एग्जीक्यूट किया जाता है या उसको प्रोसेस किया जाता है। अब ये प्री प्रोसेसर की बात होने लगी है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सी प्लस प्लस कंपाइलर। सी कंपाइलर यानी कि जो आपको कंपाइलर प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सेपरेट से कोई अलग से देने की जरूरत नहीं आती, वो सारी चीज़ें एक ही चंक्स के अंदर होती हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सी कंपाइलर, आई एम सॉरी मुझे यहाँ से इतना क्लियर नहीं हो रहा। मॉडिफाइज अ सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन, द सेमी कोलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। वो ये बात हो रही है कि जब आप सी स्टेट लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लिखते हैं तो इसके एंड पे सेमी कोलन नहीं लगाते जैसा कि आप सी स्टेटमेंट में लगाते हैं, ये बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद अ हैश सिंबल, जो कि बताया भी हुआ है, एंड द कीवर्ड इंक्लूड और डिफाइन। ये कीवर्ड के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की थी, नेक्स्ट होपफुली एक दो लेक्चर्स में हम लोग कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग कीवर्ड्स कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं हर जुबान के, जिनका मतलब उस जुबान के अंदर फिक्स होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर द टाइम बीइंग जैसा कि इज एम आर, ये कुछ लफज हैं, वर्ड्स हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, इनका मतलब
इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी चेंज नहीं होता। जो इन वर्ड्स का मकसद है, उन्हीं मकसद के लिए ही इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। सो वी कैन से दैट दीज आर द की वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह सी लैंग्वेज भी कंप्यूटर की एक जुबान है, जस्ट लाइक द अदर। तो इस जुबान के भी कुछ मखसूस अल्फाज हैं जिनका मतलब इस जुबान के अंदर चेंज नहीं होता। जो मकसद और जो मतलब उन वर्ड्स का होता है, उन वर्ड्स को उस जुबान में उसी मकसद और उसी पर्पस के लिए जो है वो यूज किया जाता है। फिलहाल इतना ही काफी है कीवर्ड्स के ऊपर बात करना, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आगे जाके टाइम टू टाइम ये चीजें काफी एक्सप्लेन होती जाएंगी और आपको समझ भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस लाइन में का मतलब ये है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को हैश के साथ स्टार्ट किया जाता है, यानी कि हैश, और हैश के बाद हम क्या लगाते हैं, इंक्लूड, या फिर हम क्या लिखते हैं, डिफाइन। ये दो तरीके हमारे पास होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लिखने के, यानी कि हैश के बाद हम इंक्लूड लिखते हैं। अगर इंक्लूड नहीं लिखना तो फिर क्या लिखते हैं, डिफाइन। तो इंक्लूड जब लिखते हैं, इसका भी एक पर्पस होता है लिखने का, डिफाइन लिखने का भी एक मकसद होता है। दोनों को देखेंगे कि कहाँ पर इंक्लूड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर डिफाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, इंक्लूड ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर मैं यूं लिख दूंगा ना हैश, तो यहाँ पर कंप्यूटर एरर दे देगा। वो कहेगा कि मेरी डिक्शनरी के अंदर स्मॉल लेटर में INCLUDE वर्ड है, ये वाला वर्ड मेरे पास नहीं है। तो यहां पर वो एक एरर जनरेट कर देगा। प्रोग्रामिंग के फर्स्ट चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज या एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस का एक टॉपिक होगा। वहां पर एक टॉपिक होगा केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मकसद यही है कि सी लैंग्वेज में जो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा उसका मतलब कुछ और होगा, कैपिटल लेटर में जो लिखा जाएगा उसका मतलब कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब कुछ और होगा और स्मॉल जी का मतलब जो है वो कुछ और होगा। ये मैंने स्मॉल जी लिखा, ये कैपिटल जी लिखा। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल लेटर्स में जो, फॉर एग्जांपल, इसका मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वही वही इस वर्ड का मतलब है। दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। अगर दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में, तो फिर केस सेंसिटिविटी नहीं है। अगर इसका मतलब कुछ और है, कैपिटल लिखने से मतलब कुछ और बन जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर वो केस सेंसिटिविटी आ जाती है। तो सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो इंक्लूड को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, मेन को स्मॉल लेटर में लिखना है। इवन कि मैं इसको यू लिख दूंगा तो कंप्यूटर एरर जनरेट करेगा। वो कहेगा कि मैं इस स्पेल का, मेरे पास कोई वर्ड है ही नहीं मेरी डिक्शनरी के अंदर। इसी तरह मैं इसको अगर यूं लिख देता हूं तो यहां पे भी बजाहिर, चाहे बजाहिर तो ये मेन ही है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया के अंदर ये मेन वो मेन नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। या मैं इसको यूं करके लिख देता हूं, यहां पे भी जो है वो कंप्यूटर क्या देगा, एरर देगा। उसकी वजह मैंने क्या बताई है कि केस सेंसिटिविटी। सी लैंग्वेज में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ और कैपिटल लेटर में लिख रहा हुआ, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। सो मेन फंक्शन का नाम जो है वो भी आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, वॉइड भी स्मॉल लेटर में लिखना है, और इंक्लूड जो है इसको भी स्मॉल लेटर में लिखना है, और डिफाइन को भी स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर आप कैपिटल किसी एक लेटर को या पूरे वर्ड को लिखेंगे तो वो एरर आ जाएगा। तो बात हो रही थी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को हम इंक्लूड के साथ भी लिख सकते हैं और डिफाइन के साथ भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के दो तरीके हैं, इंक्लूड और डिफाइन। These directives are written at the start of the program, और जैसा कि यहाँ पर उसने बात कर भी दिया है कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो होती हैं इनको हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में नोट में लिखते हैं। जैसा कि
अब देखें कि मैंने ये जो एक सोर्स प्रोग्राम है, इस सोर्स प्रोग्राम के शुरू की जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, आई एम सॉरी अगेन यहाँ पे वो कुछ प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं हुआ पेज, यूज इन सी टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। थोड़ी सी बात इसने यहाँ पे कर दी है, मैं आगे बात इसके ऊपर करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की टाइप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स हैं, एक इंक्लूड और एक डिफाइन। मतलब कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड से भी लिखा जा सकता है और डिफाइन से भी लिखा जा सकता है, मतलब दोनों का लिखने से डिफरेंट बन जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूड। इंक्लूड कीवर्ड हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में तब यूज करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी हेडर फाइल को ऐड करना हो, अटैच करना हो। अगेन, इंक्लूड का वर्ड हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में तब यूज करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को शामिल करना हो। जैसा कि आप इस प्रोग्राम को देखें तो इंक्लूड और ये मैंने चार प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखी हैं और चारों प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में मैंने डिफाइन का वर्ड यूज नहीं किया बल्कि इंक्लूड का लफज इस्तेमाल किया है। और इंक्लूड का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को ऐड करना था। ये मेरा सारा प्रोग्राम है जो मैंने लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में मुझे चार हेडर फाइल्स को ऐड करना था, इंक्लूड करना था, अपने प्रोग्राम में शामिल करना था। हेडर फाइल्स क्या होती हैं वो एक नेक्स्ट टॉपिक होगा। फॉर द टाइम बीइंग हम अभी देख रहे हैं कि इंक्लूड का जो वर्ड है उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में तब यूज करते हैं जब हम समझते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, हेडर फाइल्स को ऐड करना है, हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाना है। और लिखते कैसे हैं, हैश इंक्लूड और ये एंगल ब्रैकेट, इसे एंगल ब्रैकेट कहते हैं। इस एंगल ब्रैकेट के अंदर हम हेडर फाइल लिखते हैं। जैसा कि आप इन चार प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में देखें, हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने एक फाइल का नाम लिखा है, ये फाइल हेडर फाइल है और उसका नाम क्या है, stdio.h। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखें तो मैंने एक दूसरी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड किया और उसका नाम क्या, conio.h। इसी तरह ये तीसरी हेडर फाइल और इसी तरह ये एक चौथी हेडर फाइल है। यानी कि मैंने अपने प्रोग्राम में चार हेडर फाइल्स को शामिल करना था तो मुझे चार प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड वर्ड के साथ लिखना पड़ी। अगर मुझे 10 हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करना है तो मुझे 10 प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखनी पड़ेंगी। अगर मुझे अपने प्रोग्राम में दो हेडर फाइल्स को लिखना है तो मुझे दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड वर्ड के साथ लिखनी पड़ेगी। आई होप आपने आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। होपफुली नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much.